JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन कंडक्ट्स द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड। तो ये जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो सर्वे है हाउसहोल्ड का, कौन से इंस्टीट्यूशन ने कंडक्ट करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज RBI। क्या आंसर है? आरबीआई। तो आरबीआई ने अनाउंस करा लॉन्च ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जो उन्हें प्रोवाइड करेगा एक की इनपुट जिसके लिए फॉर द बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए जो शेड्यूल किया जाएगा दिसंबर 2023 में। ओके, और ये जो सर्वे है ये 19 सिटीज में कंडक्ट किया जाएगा जिसमें भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई और दिल्ली शामिल होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विच इंडियन सिटी एडेड टू द यूनेस्को। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इन्होंने ऐड करा गया है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इन लिटरेचर कैटेगरी। ठीक है, तो कौन सी है भाई दो सिटीज, इंडियन सिटीज जो ऐड करी गई हैं इस नेटवर्क में, दैट इज कोचिकोड। ठीक है, दो बेसिकली इंडियन सिटीज हैं, एक ग्वालियर है, दूसरी कोचिकोड है, और ये बेसिकली पार्ट बनी है यूनेस्को, मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का। ओके, ये जो ग्वालियर है इट इज इन मध्य प्रदेश, और वहीं पे कोचिकोड की अगर हम बात करें तो ये कहां पे आता है? ये आता है केरला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज एक एनुअल रिपोर्ट है रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज करी गई। तो इसका जो आंसर है दैट इज WMO, मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही ऑर्गेनाइजेशन जो है एनुअल रिपोर्ट जो है वो जाहिर करती है स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस फॉर दिस ईयर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट विच स्टेट्स दैट इंडियन फार्मर फेस्ड $169 बिलियन टैक्सेस ड्यू टू एक्सपोर्ट मेजर्स इन 2023। मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी है जिसके तहत इंडियन फार्मर्स को $169 बिलियन का टैक्स जो था वो पे करना पड़ा एक्सपोर्ट मेजर्स पे 2022 में। तो इसका जो आंसर है दैट इज OECD। OECD की जो फुल फॉर्म है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने हाईलाइट करा था ये कि इंडियन फार्मर्स जो है उनको टैक्सेस दे हैव टू पे 160 बिलियंस। ओके, और ये जो हुआ था मतलब इस चीज़ के तहत एक्सपोर्ट जो है वो फाइनली बैन हुआ, ये मतलब उनको एक्सपोर्ट पर थोड़ा कम वर्कआउट फिर करना पड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है वो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है किसकी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट को किसने करा है? दैट इज वर्ल्ड बैंक। क्या आंसर है? वर्ल्ड बैंक ने। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम जो है वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट है। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज ESL, मतलब कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है जो इन्वॉल्व करता है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच कंट्री एसोसिएटेड विद इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेस स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कौन सी कंट्री जो है वो एसोसिएट है इसके साथ? दैट इज USA। तो USA की नासा ने कंडक्ट करा है एक साउंड रॉकेट मिशन जिसे इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेंट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट बोला गया। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच फुटबॉलर प्लेयर वॉन द बैलून डी प्राइज फॉर द बेस्ट प्लेयर। तो इसका जो आंसर है दैट इज लियोन मेसी। ठीक है, लियोन मेसी को ये 8th बैलून डी जो अवार्ड है फॉर द बेस्ट प्लेयर उन्हें मिला दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सलीमुल्ला हक, जो अभी इनकी मतलब पास अवे हुए हैं, ये किस प्रोफेशन के साथ एसोसिएट थे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।